ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारत का बड़ा फैसला। भारत ने एलएसी पर रडार स्टेशन डिप्लॉय कर दिए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रडार को किया इंटीग्रेट। चीन के वॉर गेम्स को देखते हुए भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई है। वॉर प्लेन्स के साथ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन कैपेबिलिटीज बढ़ाई गई हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। 3 दिन तक कुमार कुंदन ने ले से लेकर एलएसी के सबसे आखिरी पॉइंट तक जाने की कोशिश की। 3 अलग अलग रास्ते चुने, कई जगह रोड्स नहीं बनी थी। इसके बावजूद आगे का सफर तय किया क्योंकि अपने दर्शकों तक चीन की एक एक चालबाजी को एक्सपोज करना था। टीवी पर पहली बार चीन के बेस कैंप और उसकी पोस्ट को कैमरे में कैद करना था। करीब 200 मिनट की पूरी रिपोर्ट आप कल शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक नॉनस्टॉप TV9 भारतवर्ष पर देखने वाले हैं। कुमार कुंदन खुद एक एक डिटेल बताएंगे। आज हम इस रिपोर्ट का एक छोटा वर्जन आपके सामने लेकर आए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। कम ऑक्सीजन के बीच दो जगह जहां एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, वहां पर खड़े होकर कड़कड़ाती ठंड के बीच एक एक तस्वीर को कैमरे में कैप्चर करना वाकई बड़ी चुनौती है। लेकिन TV9 भारतवर्ष की टीम ने ठान लिया था कि हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ना है। कुमार कुंदन ने बताया कि गलवान वैली तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। फिलहाल एक ऑपरेशनल है, लेकिन बेहद जल्द दोनों रास्ते भी तैयार होने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और उन कामों के माध्यम से किस तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों में कैसे कोई काम करेगा, कैसे कोई जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना मुश्किल है यहाँ काम करना और कितना टफ है इस टेरेन में आना और इस टेरेन में आके रिपोर्टिंग करना। यकीन मानिए, ऑक्सीजन जो है वो 50% कम है यहाँ पे, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से आप जो है यहाँ पे सांसें जो है आपकी उखड़ रही होती हैं। एक लेवल के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से दो चार होते हुए और यहाँ पे आप देखिए कि काम चल रहा है। ये जो तस्वीर है ये बेहद खास तस्वीर है और हम बताना चाहते हैं कि ये मुश्किल हालात में हमारे जो है जांबाज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। लेह से जब शिलंगुला की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में 4 सी पोस्ट भी आती है। यहाँ तक का सफर काफी मुश्किलों भरा। कुमार कुंदन ने बताया कि कई जगह अब भी 24/7 सड़कें बनाने का काम हो रहा है। इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिना रुके काम कर रहे हैं। पहले जहां पर GPS सिस्टम होता था, अब पहाड़ों पर वहां पर नेविगेशन के लिए एडवांस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम गलवान के बिल्कुल पास तक पहुंच रही है और अब देखिए ये 4 सी जो है कैंप है, इस कैंप से 10 किलोमीटर आगे ही गलवान है। अब वहां तक पहुंचने के लिए सरकार जो है अलग अलग तरीके से सड़कों का निर्माण कर रही है। ये जो आप यहां से एक सड़क देख रहे हैं ये भी एक प्रपोज्ड है। यहां से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गलवान की ओर ये सड़क जाती है। वहां पे नदी है, उस नदी की एक तरफ फ्लैग पोस्ट है और दूसरी तरफ जो है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 है। कोशिश ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को गलवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यम से बढ़ाया जाए जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये प्रपोजल बहुत तेजी से काम कर रहा है और हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे। छोटे छोटे आपको पोस्ट नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे वो पोस्ट हैं जिसमें हमारी भारतीय सेना है या फिर ITBP है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ भी जो आपको पोस्ट नजर आ रहे होंगे, ये वो पोस्ट है जिसमें भारतीय सेना ने मोर्चा संभाले रखा है और अलग अलग जगहों पे इस तरीके के यहाँ से सड़कें बनाई जा रही है जो सड़कें सीधे गलवान तक जाएगी और आगे हिंदुस्तान और चीन के बीच का जो इलाका है वहां तक पहुंचने की कोशिश है। हाल ही में चीन और भारत के बीच 16वें कमांडर लेवल की टॉक्स हुई है। डोगरा, पैंगोंग और गलवान पर तनाव कम करने के लिए पहले ही भारत और चीन के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन बाकी 3 फ्रिक्शन पॉइंट्स डेपसांग, डेमचोक और हॉटस्पॉट्स को लेकर डिसएंगेजमेंट की बातें हो रही है। हालांकि पैंगोंग के दूसरी तरफ चीन ने एक नए पुल का निर्माण किया। कुमार कुंदन ने पैंगोंग की लेटेस्ट तस्वीरें भी शेयर की, चीन के गर्दन के बिल्कुल पास से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की, विस्फोटक खुलासे का ट्रेलर दिखा दिया। इस वक्त हम ठीक पैंगोंग के सामने पर हैं। पैंगोंग लेक काफी बड़ा है और हिंदुस्तान के जिस इलाके में जिस एरिया में पैंगोंग का इलाका है उसमें अभी हम उत्तर पूर्वी छोर के पास है। यहाँ से शिलंगुला बेस जो है वो पास पड़ता है और हिंदुस्तान की सेनाओं के कई सारे मोर्चे हैं
और अगर हम इस पैंगोंग के लेक के साथ साथ जाएं, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगले 10 किलोमीटर तकरीबन आगे आपको यहां से गलवान घाटी दिख जाएगी। मतलब साफ है कि यहां से इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत कुछ आपको बचाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है वो बहुत तेजी से इस इलाके में काम कर रही है। और कोशिश ये है कि चाइना में जो LAC है, LAC के पास जितनी जल्दी हो सके हिंदुस्तानी सैनिकों को पहुंचाने का काम किया जा सके, चाहे वो नदी के आसपास के रास्ते से हो या फिर सड़क मार्ग के रास्ते से हो। पूरी कोशिश ये है कि अगले एक साल में पूरा का पूरा जो है इलाका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सही किया जाए। LAC के आखिरी पॉइंट तक पहुंचने वाले रास्तों में लेह से ल्योमा, न्यूमा और हेनले तक का भी एक रूट है। हेनले में एक बड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। इसके बाद चुमार पोस्ट तक कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। कुमार कुंदन ने बताया कि हेनले से दुंगदी तक सड़क अच्छी है। इसी तरह दुंगदी, केओर, निकमैक, नेमचोक और उमलिंग तक का सफर भी तय हुआ। हमारे संवाददाता ने वो जगह भी दिखाई जहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर छोटे छोटे बेस तैयार किए जा रहे हैं। मॉडर्नाइज करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि ऐसे मोर्चे जिसमें हमारे सैनिक हैं जगहों को मॉडर्नाइज करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जरूरत का साजो सामान पहुंचाने और सामने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों में ALG बनाया जा रहा है, लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ये वो ग्राउंड होते हैं जिसमें कि छोटे जहाज तक जो है आराम से लैंड हो सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ALG के माध्यम से बड़े जहाजों की तो बात नहीं, लेकिन छोटे जहाज में सामान रखकर या फिर सेना को किसी भी तरीके से मूवमेंट कराया जा सके। अभी अगर बात करें तो आसपास के इलाके में लेह एक बड़ा एयरपोर्ट है और लेह के बाद इस तरीके से ALG का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से पूरा करने के लिए कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, और बकायदा इसके लिए DPR भी तैयार किया जा रहा है। हम आपको फिर बता दें कि हमने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखाया है। ये काफी लंबी रिपोर्ट है और आज तो सिर्फ LAC फाइल्स का ट्रेलर आपके सामने है। 3 दिनों तक कुमार कुंदन लेह से गलवान और दूसरे इलाकों तक गए। चीन ने कितनी सड़कें बनाई, सिंधु कैचमेंट से लेकर ब्लैक टॉप के पीछे तक चीन की साजिश के कितने सबूत मौजूद है। LAC पर किस तरह के टावर खड़े किए, उमलिंग और कियोल पोस्ट से चीन का कौन सा सिस्टम नजर आता है, ईस्टर्न लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर चाइनीज आर्मी की थिएटर कमांड की नई डिटेल्स क्या, इसे लेकर TV9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा होगा। कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आएंगी। आपको बता दें कल शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक LAC पर चीन का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। बस बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।